रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर काम लगातार जारी है। वहीं इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से निर्माण कार्य को लेकर तमाम जानकारियां मीडिया से साझा की गई। उन्होंने बताया कि नक्काशीदार पत्थरों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंदिर के आसपास राम के जीवन को चरितार्थ करने का काम भी किया जा रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि शीघ्र ही गर्भगृह और उसके चारों ओर के पिलर का निर्माण पूरा होगा। राजस्थान के भरतपुर जनपद के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की पहाड़ियों के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ नक्काशीदार पत्थरों को लगाने का काम प्रारंभ हो जाएगा। संपूर्ण मंदिर में लगभग 4.7 लाख धन फुट नक्काशीदार पत्थर लगेंगे। नक्काशीदार पत्थर अयोध्या पहुंचना प्रारंभ हो गए हैं। ऊपर दो छेद, उसके ऊपर जो पत्थर आएगा उसमें भी दो छेद किए गए हैं और उसके बीच में पत्थर की एक कील डाल दी जाएगी। पत्थर की कील के कारण वो नीचे वाला पत्थर ऊपर वाले पत्थर के साथ टिका रहेगा। कील का मतलब लोहे की कील नहीं है, वो पत्थर की कील है और कम से कम 6 इंच डायमीटर की तो होगी, इतनी मोटी कील जरूर होगी। दो पत्थरों को जब पास पास रखते हैं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत गैप रहती है, उस गैप में सीमेंट का घोल भरकर संपूर्ण रचना को मोनोलिथिक मानो एक इतना विशाल पत्थर दिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT